उम्मीद है अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को टाइम देना शुरू करें और मुस्कुराया करें, ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि मेरे जो एज वाले नौजवान हैं 17, 18 और 19, मेरा तो 18 साल एज है ना, ये कसम से दिन ब दिन नशों में मुफ्तला हो रहे हैं, दिन ब दिन डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, ये नशे हमारी जवानी को आग लगा देते हैं और ये डिप्रेशन हमें अंदर से खा लेती है, लेकिन हम नहीं समझते, हम दीवाने हो रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच वाज़ेह करना है। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि आपकी घर में जो बेटा है या भाई है, कोई भी है 17, 18, 19 साल एज में है ना, वो तबाही की तरफ जा रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको उस पर नज़र डालें, वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। कल को अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आखिर मैं अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ कि हमें दुनिया से मुकाबला करना है। अगर हमारी जवानी बर्बाद हो रही है, तो हम दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, ये डिप्रेशन हमें अंदर से खा लेती है और ये नशे हमें रिमूव कर रहा है इस दुनिया से। तो मैं आप सबको कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये चीज़ें छोड़े छोड़े, ये चीज़ें छोड़े।